पुस्तकों के वितरण करने वाले भक्तों का भी धन्यवाद जीव गोस्वामी और कन्याल सिंह का। तो आज हमारे एक आचार्य पुरुषोत्तम दास ठाकुर, उनका आज आविर्भाव है। आज के दिन वो प्रकट हुए थे, तो उनका जीवन पढ़ेंगे हम। आइए पहले श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये श्रील प्रभुपाद ने सुखदेव को एक पत्र लिखा था। सुखदेव हमारे एक गुरु भाई अभी भी हैं, उनको ये पत्र लिखा था। इसमें क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? एक शुद्ध भक्त सदैव सोचता है कि वह भक्त नहीं है। ये बड़ी एक विचारने की बात है। हम लोग जो भौतिक रोगों से पीड़ित हैं, हम में बहुत सारे दोष हैं, हम अपने आप को महान भक्त कहते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो सोचते हैं कि मैं भक्त नहीं। ऐसा क्यों सोचते हैं भक्त लोग? क्योंकि वो विनम्रता की मूर्ति बन जाते हैं जो शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त का अर्थ यानी कि कोई भौतिक इच्छा नहीं। हम सब लोग जो हैं भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं। हम अगर साधु भेष में हैं, गुरु के भेष में हैं, हम कहते हैं बहुत सारे अनुयायी हो जाएं, बड़ा नाम हो हमारा, दुनिया पीछे चले, ये भी भौतिक है सब। शुद्ध भक्त मतलब, शुद्ध भक्त की परिभाषा शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद बता रहे हैं। शुद्ध भक्त के लिए कहा है अन्नाभिलाषता शून्यम। भौतिक इच्छा कोई बहुत जीरो शून्य। जब तक भौतिक इच्छाएं हैं हमारे अंदर, तो हम शुद्ध भक्त की श्रेणी में नहीं आ सकते, ये याद रखो। और शुद्ध भक्त बने बिना हमारा कल्याण भी नहीं है। इसलिए शुद्ध भक्त बनना, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना, ये बहुत आवश्यक है। तो भक्ति साम्र सिंधु पहला अध्याय एक एक ग्यारह पहला अध्याय है, आगे पता नहीं। ये तो ये श्लोक उसमें है, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलम भक्तिर उत्तमा। शुद्ध भक्त की परिभाषा बताई है हमारे गोस्वामी शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने। इसमें क्या कह रहे हैं वो? अन्नाभिलाषता शून्यम, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए, सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी भी इच्छा से रहित। अन्नाभिलाषता शून्यम मतलब सेवा के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं। और याद रखो, सेवा जीव का धर्म है। बड़ी समझने की बात है, सब ध्यान दीजिए, यहां बैठे हुए भी और इंटरनेट पर सुनने वाले भी। धर्म क्या है? प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे अग्नि का धर्म है तपस और रोशनी, पानी का धर्म है गीलापन, हवा का धर्म है सुखाना, शक्कर का धर्म है मीठापन, मिर्ची का धर्म है तीखापन। उदाहरण दिए हैं। और जीव का धर्म क्या है? सेवा। सेवा, हम जो अभी भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा तो हम कर रहे हैं,
कोई ये नहीं कह सकता, प्रभुपाद बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं, कोई ये नहीं कह सकता मैं सेवा नहीं कर रहा। उदाहरण दिया है राष्ट्रपिता का, अमेरिका में प्रेसिडेंट की बड़ी पावर होती है, प्रेसिडेंट बड़ा होता है वहाँ पर। भारत में प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है, पर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी प्रेसिडेंट है, पर प्रेसिडेंट की भी पावर है पर इतनी नहीं। मान लो देश का प्रेसिडेंट ये सोचे कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, राष्ट्रपिता हूँ, मैं मालिक हूँ पूरे देश का, ऐसा सोचना उसका ठीक है? वो पूरे देश का सेवक है, पूरे देश का उसको ध्यान रखना है। अभी देखो ट्रंप जो था अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसने सोचा था कि दूसरी टर्म में मैं आ जाऊंगा, लोगों ने नहीं पसंद किया उसको, नहीं वोट दिया, उसको निकाल दिया, और फिर वो अपनी कुर्सी भी नहीं छोड़ रहा था। ट्रंप जो है बड़ी मुश्किल से कुर्सी छोड़ी। तो सेवा जीव का धर्म है, और जो हम लोग भगवान की सेवा नहीं कर रहे वो भी सेवा में लगे हुए हैं। अगर पति सोचे मैं पत्नी का पति और बच्चों का पिता, नहीं, ऐसा सोचना उसका गलत है। वो पत्नी का भी सेवक और बच्चों का भी सेवक, बोलो है या नहीं है? पत्नी का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, उसको स्कूल भेजना है, पैसे चाहिए, काम करो, पैसे लाओ, सेवा। तो पर संतुष्ट कोई नहीं है। सेवा जीव का धर्म है, इसको याद रखो, ये बड़ी जरूरी बात। प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद की हर बात बहुत जरूरी होती है, पर ये तो बहुत ही जरूरी है। हमारा धर्म है सेवा, लेकिन हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट कब होंगे? जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, ये याद रखो। कोई प्रश्न कर सकता है, भाई भगवान की सेवा तो फिर गौलोक धाम में जाके होगी? नहीं, अभी हम गौलोक धाम जाने के योग्य नहीं है, हमें योग्यता नहीं है, तो वो हमारा धर्म पर कैसे सेवा करेंगे? भगवान अर्च विग्रह अवतार, विग्रह रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का जो विग्रह है वो भगवान का ही स्वरूप है। और बहुत सारे लोग मूढ़ लोग जो हैं, मूर्ख लोग हैं, वो मूर्तियों को नहीं मानते। अब जैसे एक है मत है, वो मूर्तियों को नहीं मानते, आर्य समाज मूर्तियों को नहीं मानते वो। तो उनको पूछो भाई भगवान सब जगह है? कहते हैं हाँ है। तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं उनके पास। भगवान अर्च विग्रह रूप में आते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, और भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। और देखो संत समझाते हैं, ये पहले बात मैंने समझाई थी, फिर बताता हूँ। एक अंग्रेजी में कहावत है, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। बात को दोहराने से हम सीखते हैं। अभी जैसे किसी व्यक्ति ने अपना पत्र उधमपुर से भेजना है, या कहीं और से भेजना है, बम्बई भेजना है, पर वो आदमी पोस्ट ऑफिस से बहुत दूर रहता है, उसको वहाँ तक पहुँचने में बड़ी कठिनाई होगी, टाइम लगेगा, तो इसका मतलब उसका पत्र नहीं पहुँच सकता। पोस्ट ऑफिस ने क्या किया है, जहाँ वो रहता है वो वहीं नगर में या छोटी जगह है या गांव, वहाँ पर एक पोस्ट बॉक्स स्थापित कर दिया है, उस पर लिखा PNT पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ। वो पोस्ट ऑफिस तो नहीं है, पर पोस्ट ऑफिस द्वारा स्थापित है। उसमें अगर वो अपना पत्र डालेगा तो उसके गंतव्य स्थान में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? वो पोस्ट ऑफिस नहीं है, क्यों पहुंचेगा? पोस्ट ऑफिस तो नहीं है, वो बॉक्स एक। क्या उत्तर इसका? हाँ, वो पोस्ट ऑफिस द्वारा निर्धारित है, उसको मान्यता है कि PNT ने इसको स्थापित किया है। इसी प्रकार
भगवान गौलोक धाम में रहते हैं, हम अभी नहीं पहुंच सकते उनके पास, बहुत दूर है गौलोक धाम। ऐसा बताते हैं प्रभुपाल, अगर कोई मन की स्पीड से भी चलता है ना, हजारों वर्षों तक चलता रहे तो वो धाम में नहीं पहुंच सकता, इतना दूर है। जैसे मैं यहां बैठा हूं, मैं लॉस एंजलिस का सोचता हूं, जो 10,000 माइल यहां से है, मेरा मन लॉस एंजलिस पहुंच गया, मैं देख रहा हूं लॉस एंजलिस मन से, मन की स्पीड से भी हम वहां नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब हम शुद्ध हो जाएंगे बिल्कुल, तो भगवान के पार्षद जो हैं हमको गौलोक धाम में तुरंत पहुंचा देंगे, पार्षद आकर हमको वहां ले जाएंगे। तो भगवान ने हमारी सुविधा के लिए, हम अभी योग्य नहीं है, भाई योग्य बनना है, अर्च विग्रह अवतार है ये भगवान का, ये अर्च विग्रह आजकल के नहीं चले आ रहे, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, कृष्ण राम भगवान के समय से आ रहे, राम जो जन्मभूमि राम जी के समय की थी, आज की थोड़ी। लेकिन विदेशी लोग आए, उन्होंने मंदिर तोड़ दिया, वो नहीं मानते इन चीज़ों में, और वो खुद भी टूट गए। एक कहता है जिन्होंने यहाँ पर राज किया 800 साल, भाई हमने 800 साल यहाँ राज किया है, वो हमारे में से कन्वर्ट हुआ बेचारा, कहता है अभी फिर से हमें अपना राज, 800 साल राज करके भी टूट गए वो, क्योंकि उन्होंने इस संस्कृति का सम्मान नहीं किया, मंदिर तोड़े, विग्रह तोड़े, 800 साल रहने पर देश को लूटा, लोगों का धर्म परिवर्तन किया जबरदस्ती, भाई ये तुम इस धर्म में आओ नहीं तो तेरा गला काट दिया जाएगा। बेचारे डर बहुत, अच्छा भाई आ जाते हैं, बन जाते कि कहते नहीं आएंगे, गला काट दे जाओ मार दो उनको, ऐसे बड़े जुल्म हुए। तो 800 साल राज करने वाला भी हैं भारत में, वो कहते हैं भाई हमने इतना किया अदर, वो कह रहा है पब्लिकली कह रहा है फिर से करना चाहिए। जब इन्होंने सनातन धर्म की जो नियम थे, सनातन धर्म के नियम, उनको नहीं माना, मंदिर तोड़े, मूर्तियाँ खंडित की, खुद भी टूट गए, जाओ। तो बात मैं कर रहा था सेवा की, सेवा जो है वह जीव का धर्म है। हम प्रभुपाद कहते हैं ए इज सर्विंग बी, बी इज सर्विंग सी, सी इज सर्विंग ए, हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं पर संतुष्ट नहीं है, वो धर्म है हमारा, करनी ही पड़ेगी सेवा। पर अगर हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, विग्रह की सेवा में लग जाते हैं, तो वो सेवा सब स्वीकार होगी, गौलोक धाम में स्वीकार होगी। एक मैं सत्य घटना जो घटी है उसका प्रमाण आज भी है, उड़ीसा से दो भक्त, एक बड़ा अमीर आदमी था, दोनों ब्राह्मण, बड़ा अमीर ब्राह्मण था और एक गरीब ब्राह्मण, दोनों उड़ीसा से आ रहे हैं, कहाँ, वृंदावन, वृंदावन जो दिल्ली के पास में है, जो भगवान का धाम है, जहाँ भगवान प्रकट हुए। जब भगवान आते अपने धाम को भी साथ में लाते हैं, यहाँ वृंदावन भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। रास्ते में एक दूसरे से भेंट हो गई, जब भेंट हुई एक दूसरे से, एक दूसरे को पूछता है कहाँ जा रहे हैं, कहते मैं वृंदावन, कहते मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ, चलो साथ मिल गया दोनों का। पहले यात्राएं पैदल होती थी, अपना कारें या रेल या जहाज नहीं होते थे, और ऐसा भी था बताते हैं जो तीर्थ यात्रा में जाता था बोल जाता पता नहीं मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, मर जाते थे कि बेचारे यात्रा करते करते। लेकिन अभी परिस्थिति बदल गई, तो दोनों आए पैदल आ रहे हैं उड़ीसा से वृंदावन पहुंचे। वो जो वृद्ध था वो
और एक नवयुवक था, एक वृद्ध था। वृद्ध बड़ा अमीर था, नवयुवक गरीब था। पर नवयुवक जो था वो भक्त था भगवान का, कृष्ण का बड़ा भक्त था। तो मिल गए जब रास्ते में, तो वृद्ध की बड़ी सेवा करता रहा। भाई यात्रा में जा रहे हैं, उसका ध्यान रखना, आकर खाना भी होता है, नहाना भी होता है, बड़ी सेवा करता रहा वृद्ध की। जब वो वृंदावन में भगवान के मंदिर में आए तो वृद्ध ब्राह्मण इतना प्रसन्न, वो भगवान के सामने कहता है कि हे भगवान, मैं अपनी बालिका का विवाह इससे करूंगा, इस बालक से। इसने बड़ी सेवा की, बड़ा अच्छा बालक है ये। वो कहता है, देखो ऐसा है पंडित जी, आप ये भगवान को साक्षी रख के, भगवान के सामने ये वचन दे रहे हैं, हो सकता है घर में जाकर आप इस वचन को पूरा ना कर सके, आपकी पत्नी ना माने, आपका बेटा ना माने। वृद्ध कहते, नहीं मेरी बेटी है, मैं कर दूंगा। उसने मना किया, उसने बोला मुझे शादी की इच्छा भी नहीं, हो भक्त था बड़ा। आकर वापस आए, वही बात हुई। उसने पत्नी से बात की कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता उस गांव के ब्राह्मण से किया है। वो कहती, किसको पूछ के किया आपने? वो गरीब ब्राह्मण, हम इतने अमीर आदमी हैं, मेरी बेटी का गला काट दिया आपने। अगर आप ये शादी करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, पत्नी कह रही है। बेटा उससे भी आगे, बेटे से बात की, बेटा कहता, पिताजी मेरी बहन का रिश्ता आपने बिना मेरे पूछे कैसे कर दिया, और गरीब के घर में उसको मैं अपना बहनोई कहूँगा। बड़ा वो भी नाराज, वो बेचारा। वही बात हुई जो उस गरीब ब्राह्मण ने कही थी कि हो सकता है आपकी पत्नी और आपके बच्चे नहीं माने, वही बात हुई। आज वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो गरीब ब्राह्मण को ये चिंता है। ये हम विग्रहों की बात बता रहे हैं, साक्षात हैं भगवान, भगवान विग्रह रूप में साक्षात हैं। वो गरीब ब्राह्मण उस अमीर ब्राह्मण को कहता है, देखिए पंडित जी, कहता नहीं है उसको, जब वापस आए ये वचन देकर वापस आए, जब तो घर में आए, ये समस्या उसको हो गई। उसे बेचारा चुप, अभी वो कुछ नहीं कर सकता, पत्नी के अधीन है, बेटे के अधीन है, वो वृद्ध है। उस गरीब ब्राह्मण को चिंता के, देखो उसने भगवान को साक्षी रख के, गोपाल जी को साक्षी रख के वचन दिया था, और अभी वो पूरा नहीं कर रहा। आ गया वो उसके घर में, घर का तो उसको पता दे दिया था उसने। आया, दरवाज़ा खटखड़ाया, तो उसका लड़का आया बाहर, उस अमीर ब्राह्मण का लड़का। हाँ क्या बात, कौन है आप, क्या बात, क्या चाहिए आपको? उसने बोला कि तुम्हारे पिताजी मेरे साथ गए थे वृंदावन यात्रा के लिए। अच्छा, तुम ही हो वो जिन्होंने हमारे पिताजी से वचन ले लिया कि अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करेंगे? कहते, भाई मैं तो मना कर रहा था, उन्होंने भगवान को साक्षी रखे, भगवान के मंदिर में ये वचन दिया है, तो ऐसा नहीं करना, अपराध है। कहते, चल भगवान को साक्षी रखे, शक्ल देख पहले अपनी, तू मेरी बहन से शादी करने के लिए? कहते, भाई मैंने मना किया था, मेरी इच्छा नहीं थी शादी करने की, मेरी चिंता ये है कि तुम्हारे पिता ने भगवान को साक्षी रख के, भगवान के सामने वचन दिया है, अगर वो पूरा नहीं करता तो बहुत बड़ा अपराध है। वचन के बारे में सुनो, हम कभी किसी को वचन देते हैं ना, वो जरूर पूरा करना चाहिए, भक्तों को जरूर करना चाहिए, नहीं तो वचन मत दो। और हमारे रघुकुल की क्या रीति है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जा। रघुकुल राम जी का जब कुल, राम कृष्ण एक ही हैं दोनों। भगवान ने गीता में कहा, धनुर्धारियों में राम हूं। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो रघुकुल की रीति क्या है,
और किसी को वचन देते हैं, रघुवंशी राजे उसको पूरा करते हैं, प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाता था। वचन को पूरा करने के प्राणों की भी आहुति राजे रघुवंशी राजे लगा देते थे। ये रघुकुल की रीति है, लेकिन हमारे कुल की भी रीति है। क्या है वो? हमारे कुल की रीत सदा चली आई, हमारे कुल की रीत वो क्या है? वचन जाए पर प्राण ना जाए, वचन जाए पर। अगर हमने किसी को वचन दिया है, नहीं नहीं पूरा नहीं करें पर प्राणों को बचाएंगे, पर कब तक बचाएंगे प्राणों को? प्राण तो जाएंगे ही जाएंगे, प्राण तो चले जाएंगे, शरीर को आत्मा छोड़ देगी। तो भक्तों को खास करके ध्यान रखो, चाहे पुरुष है या स्त्री है, जो भक्ति कर रहा है या भक्ति करने की इच्छा करता है, वैसे तो सबको ऐसा करना चाहिए पर सब लोग नहीं करते ऐसा, झूठे वचन देते हैं मैं ये करूँगा। पॉलिटिशियन हमारे जो हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जब पावर में आ गए सब भूल जाते हैं फिर। तो ये एक कलयुग का पॉलिटिक्स, लेकिन जो अभी जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उन्हें जो जो वचन दिए वो पूरे कर रहे हैं। 370 हटाएंगे वो भी हटा दिया, राम मंदिर बनाएंगे वो भी बन रहा है, जो वचन कर रहे हैं पूरा। ऐसा ही होना चाहिए, यथा राजा तथा प्रजा। पहले ऐसे थे, लोगों को झूठे आश्वासन देते थे, जनता भी तंग आ चुकी थी, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जो वचनबद्ध है, जो वचन पूरा करता है। तो गरीब ब्राह्मण को चिंता है कि ये अमीर ब्राह्मण वचन नहीं पूरा कर पा रहा, क्योंकि इसके घर वाले नहीं मान रहे, इसका लड़का ही देखो क्या बातें कर रहा है। वो ब्राह्मण का लड़का कहता है वचन दिया है, वचन दिया, वो तो ऐसे ही नास्तिक टाइप होगा। अगर भगवान यहाँ पर आके साक्षी दें तो मैं अपनी बहन का रिश्ता कर दूंगा तुम्हारे साथ। वो सोचने का कहाँ यहाँ भगवान आएंगे, कहाँ साक्षी देंगे। अच्छा, लोग भी कुछ इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर, वो उल्टे पाँव वृंदावन को आया, वो गरीब ब्राह्मण आया मंदिर में, भगवान के पास किया, प्रणाम किया, कहा प्रभु हम दोनों आपके दर्शनों के लिए आए थे उड़ीसा से, अमीर ब्राह्मण ने आपको साक्षी रख के आपके सामने वचन दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूँगा, मैंने तो मना किया था उसको, कहता नहीं मैं करूँगा, तुम बहुत अच्छे हो, बड़ी सेवा की तूने मेरी। अभी वो शादी नहीं कर पा रहा, उसकी पत्नी या बच्चे नहीं मान रहे, तो आप चलो साक्षी देने के लिए। वो पक्का भक्त था, भगवान को कहते साक्षी देने के लिए चलो। आवाज आई, अरे भाई मैं कैसे चल सकता हूँ? कहते अगर आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। भगवान ने बोले छोड़े गाड़ी, भगवान कहते अच्छे चलता हूँ मैं, पर एक शर्त पर चलूँगा कि तू चलते समय पीछे नहीं देखेगा। कहते पर मुझे कैसे पता लगेगा कब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कहते मेरे पाँव में जो पायजेब पड़ी है उसकी आवाज़ तुमको सुनाई देगी। अच्छा, और कहा भगवान ही ऐसे ऐसे मेरे को भोग लगाना, ऐसा करना ऐसा करना, सब शर्तें रखनी, सब मान ली उसने। चले गए, गोपाल जी की मूर्ति होगी कोई 5 या 5.5 फुट, उन गोपाल जी आज भी वो विराजमान है, साक्षी गोपाल उड़ीसा में, वहाँ दर्शन किए हमने उनकी, कोई भी उनके जाके दर्शन कर सकता है जो वृंदावन से गए हैं। नाम ही उनका साक्षी गोपाल है। तो जब उस जगह के जहाँ के वो थे ब्राह्मण अमीर भगवान थोड़ा पास ही पहुँचे, आवाज़ आना बंद हो गई। वो गरीब ब्राह्मण सोचने लगा भगवान पीछे देखा तो मूर्ति खड़ी है, तो उसे बोले तो भगवान वहीं रुके। तो उसने झट वो गया या उसके घर में, चलो भगवान साक्षी देने आए हैं, लोग हैं साक्षी देने आए हैं, उसको लड़के को बुलाया, देखा तो मूर्ति खड़ी है वहाँ पर, साक्षी देने भगवान आए हैं।
तो मूर्तियाँ साक्षात भगवान का स्वरूप हैं, ये बातें भी करती हैं, चलती भी हैं, अनेकों लीलाएं करती हैं, पर लीला करवाने वाला कोई वैसा भक्त चाहिए। वो गरीब ब्राह्मण भक्त था भगवान का, ले गया भगवान को उड़ीसा, ले गया वृंदावन से उड़ीसा ले गया। तो भगवान जो हैं वो सेवा स्वीकार करते हैं और जीव भगवान की सेवा से, जो भगवान की सेवा करते हैं भक्त, वो शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। तो सेवा भगवान की कैसे होनी चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको सारे इंटरनेट में सुनने वाले जहाँ भी जो सुन रहे हैं, भगवान की सेवा इसी भाव से करो। अगर आप लोग अपना आवागमन समाप्त करना चाहते हैं तो, अगर आप आवागमन में फिर जाना चाहते हैं तो मनमर्जी करो, आपकी इच्छा है। ये भक्ति सामर सिंधु से श्लोक है, अन्नाभिलाषता शून्यम। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी भी इच्छा से रहित, मतलब अन्नाभिलाषता शून्यम, इच्छा केवल सेवा की और कोई इच्छा नहीं, कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा से रहित अथवा भौतिक कामनाओं के बिना, कोई भौतिक कामना नहीं। अब जैसे प्रभुपाद जी ने एक जगह बुक में लिखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, लिखा है प्रभुपाद ने, मैंने पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पर है, पर ढूंढा जा सकता है। इस्कॉन ज्वाइन करते हैं विदेश जाने के लिए, बहुत सारे इस्कॉन ज्वाइन इसलिए करते हैं गोरी लड़की से शादी करने के लिए, बहुत सारे देखे हमने, धक्के खा रहे हैं अमेरिका में। बोले ये आंदोलन इसलिए नहीं है, प्रभुपाद जी ने कहा है, ये आंदोलन भक्ति के लिए है, ना अमेरिका जाने के लिए है, ना गोरी लड़की से शादी करने के लिए है, ना बिजनेस करने के लिए है। बहुत सारे इस्कॉन के नाम से चले गए विदेश में, बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर। अरे मूर्खो, तुम बिजनेस कर रहे हो, इस हाथ जाएगा तेरे बिजनेस, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा तेरे को। तो ये प्रभुपाद अपना ये यहाँ पर कहा गया है, किसी भी इच्छा से रहित अथवा भौतिक कामनाओं के बिना, जैसे मांसाहार, अवैध संबंध, जुआ इत्यादि जो हैं, इसके ये भी काम नहीं, ये भी मांस भी नहीं खाना, किसी स्त्री से अवैध संबंध नहीं रखने, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, ये भी यहाँ पर अनुवाद में लिखे हुए हैं। ज्ञान, अद्वैत ज्ञान कर्मादि बोला है ना, ज्ञान अद्वैत मायावादियों के दर्शन ज्ञान से, जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, अद्वैतवादी जो लोग हैं, अद्वैत मायावादियों के दर्शन ज्ञान से, उनका ज्ञान जो है परम सत्य निराकार है, वो ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान कर्म, सकाम कर्मों से, कर्म मतलब हमें निष्काम कर्म करना है, सकाम कर्म नहीं करना, निष्काम करना है, भगवान के लिए करना है सब कुछ, बदले में कुछ नहीं चाहिए, तभी भैया धाम में जा पाएंगे, याद रखो। बदले में सेवा की भगवान की, बदले जैसे एक बार हम वृंदावन में बैठे थे प्रभुपाद जी के पास, तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, निष्काम सेवी हैं, एक स्त्री बड़े घर से थी कोई बैठी हुई है, तो और कोई शायद नहीं था, मैं बैठा था वहाँ पर, मेरे सामने की बात है, वो कहती है प्रभुपाद जी को कि स्वामी जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। प्रभुपाद को, प्रभुपाद कहता मेरा काम तेरी बेटी की शादी करना है, डांट लगाई उसको, चुप हो गई वो एकदम। लोग भौतिकवादी, बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही, ये नहीं, नहीं ऐसा नहीं। कर्म सकाम कर्म से कोई मतलब भौतिक इच्छा नहीं, कोई सकाम कर्म, निष्काम बस कर्म की परिभाषा दी है। फिर आगे कहा है, आधी
वैराग्य के कृत्रिम अभ्यास से वैराग। महाप्रभु ने क्या सिखाया? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थक एका पुरुष पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम उदर्यस्तम हम प्रपद्ये। ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे ज्ञान मार्गी थे, लंबी बात है, भगवान के उनको दर्शन हुए जगन्नाथ जी के मंदिर में, भगवान मूर्छित होकर घर ले गए, उनको ज्ञान पढ़ाने लगे, 7 दिन तक ज्ञान पढ़ाते रहे और सीख के भक्ति भगवान से। तो उन्होंने फिर 100 श्लोक लिखे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा में। एक श्लोक है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा तक एका पुरुष पुराना, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुदर्यस तम हम प्रपद्ये। ये प्रभु वो महाप्रभु को कह रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जो राजा के गुरु थे पुरी में, आप त्याग की विद्या से खा रहे हैं, हम सब मोह माया फंसे हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते कुछ भी, भगवान ने खुद त्याग किया, आप वैराग्य त्याग की विद्या से खा रहे हैं। 24 साल की अवस्था में भगवान ने संन्यास ले लिया। वैराग्य विद्या निज भक्ति, अपनी भक्ति, अपनी भक्ति निज भक्ति योग, अपनी भक्ति आप सिखा रहे हैं। शिक्षार्थक एका पुरुष पुराना, सबसे पुराने पुरुष वो शिक्षा दे रहे हैं, कौन? श्री कृष्ण। शिक्षार्थक एका पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया है, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुदर्जस तम हम प्रपत्ते। मैं आपकी शरण लेता हूँ भट्टाचार्य जो ज्ञान मार्गी थे, मेरे पर कृपा करो प्रभु। आप उनको दर्शन दिए और भट्टाचार्य जो ज्ञान मार्गी थे भक्त बन गए बहुत बड़े। तो वही यहाँ कहा है इस श्लोक में कि वैराग्य के कृत्रिम अभ्यास से त्याग हम सब में आना चाहिए, पुरुषों में भी स्त्रियों में भी, सबको, क्योंकि भाई एक दिन सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ही नहीं, इसको याद रखो। इसलिए मन में त्याग की त्याग का भाव लाओ, जब वो छोड़ने का समय आ जाए तो मेरा था ही नहीं कुछ, मैं क्या लाया था, क्या ये तो मेरे, मतलब संत शिक्षा देते हैं, ये संसार का जो कुछ भी है मेरा नहीं है, मेरे लिए है। क्या है? जब तक मेरा शरीर है वो चलाने के लिए पत्नी है, घर बार है, पर मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो शरीर भी नहीं है। या है, समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि हम भक्त नहीं हैं, हम लोग माया में पड़े हुए जीव हैं, विषयी जीव हैं, विषय विकारों में। एक परिवार संपर्क में आया, मैंने कहा भक्ति करो, तो पत्नी कहती नहीं हमको बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, करो भाई बच्चे करो, मतलब हमें भौतिक इच्छाएं, असल में कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, एक ही इच्छा कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, जो हमारा धर्म है। कहा है अभ्यास से, योग के यांत्रिक अभ्यास से, संख्य दर्शन के अध्ययन से आदि अनावृतम, ना ढका हुआ अनावृतम, अनुकूल लेना, अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण की सेवा का विकास, भक्ति उत्तमा प्रथम श्रेणी की भक्ति है।
जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। अभी अगर कोई प्रथम श्रेणी की भक्ति अगर करना चाहता है, भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को, जब विकसित होती है, जब करना चाहता है तो मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान निराकार बाद तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। सकाम कर्म से रहित, निष्काम कर्म, बस कोई कामना नहीं, सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय और 167वां श्लोक में उद्धृत है ये। भगवान की सेवा जो है भगवान की इच्छा अनुसार, अभी जैसे इसका बहुत बड़ा उदाहरण है भगवान की इच्छा अनुसार। अभी देखो अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, बड़ी समस्या, परिवार में युद्ध है, परिवार के लोग हैं, दूसरी तरफ गुरुजन हैं, पितामह हैं, चाचे ताऊ ससुर सब जने हैं, वो अपोजिशन में हैं, वो तो अर्जुन भक्त हैं, कैसे लड़े उनसे। लेकिन भगवान ने सारी गीता का गायन किया और समझाया क्यों तूने ये युद्ध करना है। अर्जुन फिर समझाई अर्जुन को, तो ये यहां पर जैसे कहा है श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से नहीं, अनुकूल भाव से निरंतर भगवान की सेवा करनी चाहिए, निरंतर 24 घंटे। ये नहीं कोई समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम भगवान की सेवा ना कर रहे हो। भैया अगर इस किस्म की सेवा हम कर पाएंगे तभी क्या होगा, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जीवा में आ जाएगा, क्योंकि हम उन्हीं की सेवा में लगे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए सब कुछ करने से उनका ही स्मरण होगा। और ये बात भी बार बार बताते हैं हम आपको, महाराजा भरत की बात। महाराजा भरत पूरे संसार के राजा थे, उन्होंने संसार का राज्य तुच्छ की तरह छोड़ दिया, सुंदर रानी बच्चे महलों का सुख सब त्याग दिया, चले गए कहाँ, गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी नेपाल में बहती है, पहले पूरा संसार ही भारत था, ये नेपाल भी भारत का ही हिस्सा था। गंडकी नदी के किनारे चले गए और भाई नौकर कितने, कोई नहीं, अकेला राजा दुनिया भर, सारी दुनिया में राज करने वाला अकेला, वहाँ पर खाने पीने का कोई कंद मूल फल जो जंगल में फल मिल जाए वही खाने हैं। और जंगल में जानवर होते हैं, शेर होते हैं, हाथी होते हैं, वाघ होते हैं, सांप होते हैं, भगवान पर भरोसा, भगवान रक्षा करेंगे। तो वहाँ रह रहे हैं वो महाराजा भरत पुलहा आश्रम में, कुटिया बनाई है छोटी सी घास फूस की, उसमें रह रहे हैं, महलों में रहने वाला राजा वहाँ रह रहा है। तो हुआ क्या एक दिन कि वो अपनी कुटिया में बैठे हैं, एक शेर धाड़ा, शेर के धाड़ने की आवाज, तो नदी के किनारे संत महात्मा नदियों के किनारे रहते हैं और गंडकी नदी वो पवित्र नदी है जिसमें शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। शालिग्राम केवल गंडकी नदी में ही, हमारे एक भक्त जो हैं शिष्य, कोई ये नहीं कि गुरु जी को भी दर्शन कराएं, खुद जाके दर्शन कराए, शालिग्राम शिलाएं ले आए वहाँ से। मैंने ये कहाँ से लाए, कहते मैं वहाँ गया था,
मन में सोचा देखो कैसा भक्त है, कैसा शिष्य है, कितना स्वार्थी है ये, यानी कि गुरुजी को भी ले जाए साथ में, वो नहीं पूछा तक नहीं। ऐसे जब गुरुजी के प्रति भावना होगी तो क्या प्राप्ति होगी फिर। शालिग्राम सेना ले आया, वहाँ से दर्शन करके आ गया। कभी हमने जिंदा रही तो जाना चाहते हैं वहाँ पर, हम गंडकी नदी के किनारे वहाँ जहाँ शालिग्राम प्रकट होते हैं, वो मतलब धर्म स्थान है बहुत बड़ा, वो नेपाल में है अभी। तो गंडकी नदी के किनारे महाराजा भरत साधु भेष में रह रहे हैं बेचारे। पुरानी बात है बड़ी, ये बहुत पुरानी बात। तो बैठे हैं अपनी कुटिया में सदा, तीन बार बताया वो स्नान करते हैं पवित्र नदी में, गंडकी नदी में तीन बार नहाते हैं, संध्या तर्पण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, मन को एकाग्र कर रहे हैं, हरि चरणों में मन को लगा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है अंते नारायण स्मृति करने के लिए लगा रहे। एक दिन बैठे थे ऐसे अपने ध्यान में, तो क्या देखा उन्होंने, एक हिरणी पानी पी रही है नदी का, पशु पक्षी पानी पीते हैं, तो पास में शेर धाड़ा, शेर के धाड़ने के पास, जो भरत जी महाराज ने भी सुनी साधु भेष में, और शेरनी ने भी अपना शेर की धाड़ उस हिरणी ने भी सुनी, वो डर गई, वो कहीं शेर कहीं आके मुझे खा जाएगा, शेर खा जाते हैं छोटे पशुओं को, वो डर के मारे वो नदी में कूद गई और उस पार जाने लगी कि उधर चली जाती हूँ मैं हिरणी। जब वो नदी पार कर रही थी उसके पेट में बच्चा था, वो गर्भवती थी, गर्भनी थी वो हिरणी, और डर के मारे उसका गर्भ गिर गया पानी में, पानी में बच्चे को जन्म दे दिया और पार चली गई। वो पार गई तो उसने अपने बच्चे को देखा पानी में तैरते हुए, और खुद वो बेचारी वहाँ जाके मर गई, मृत्यु हो गई उसकी। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। महाराजा भरत संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। सोचने लगे ये बेचारा माँ तो मर गई, इसकी इसका पालन कौन करेगा। अभी ये पानी से निकाल के ले आए, गंडकी नदी से निकाल के ले आए हिरणी के बच्चे को, उसका पालन करने लगे। जब उसका पालन करने लगे, जैसे बच्चा बढ़ने लगा, महाराजा भरत का मोह भी बढ़ने लगा उसके साथ, मोह बड़ा प्रबल गया। इस मोह कहाँ से शुरू होता, काम, काम से क्रोध और क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, मोह के बाद लोभ लालच और फिर अहंकार। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, अंत में जब अहंकार जीव को आ जाता है, अहंकारी जीव पागल हो जाता है, चाहे कोई है वो, किसी को भी किसी चीज का अहंकार है, वो ठीक तरह सोच नहीं सकता, उसकी सोच खराब हो जाती है, वो दूसरों के दोषों को देखता है। ऐसे एक आत्मा को अनुभव हो गया अहंकार का, वो आत्मा मेरे को कहती है मैं दूसरों को दोष देखने ही, अहंकार मेरा दोष। तो अहंकारी जीव ठीक नहीं, वो धाम में नहीं जा सकता, याद रखो। भक्ति के द्वारा, कृष्ण की निष्काम सेवा करने के द्वारा ही अहंकार समाप्त होगा। जब भगवान की हम सेवा करेंगे विग्रह की, तन मन और धन से, इसमें भी एक बड़ी अच्छी बात कही है कि धन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो धनी लोग हैं उनको अधिकार नहीं है धन का दुरुपयोग करें, लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। कोई के धन से सेवा करनी है, मेरे पास तो धन नहीं है तो तन से करो, धन नहीं है तो तन से करो, तन मन और धन, धन से करनी है, धन नहीं है फिर तन से करो, और तन भी कमजोर है नहीं काम कर सकते, कहते फिर मन से करो। तन मन धन सेवा पर भगवान की सेवा, मन से क्या, चिंतन करो प्रभु को, उनका नाम लो, उनके चरणों में मन को लगाओ, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि
महाराजा भरत का उस हिरणी के बच्चे से मोह हो गया। इतना तप त्याग, मोह कितना प्रबल है। दुनिया का राज्य छोड़ दिया और महलों का सुख छोड़ दिया, पुरानी बच्चे सब छोड़ दिए, लेकिन मोह हो गया उस हिरणी के बच्चे से। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया, मृत्यु लेने आ गई उनको। उस समय वो चिंतन किसका कर रहे थे? उस हिरण का सोच रहे थे। वो बिना मां के था, मैंने उसका अच्छी तरह ध्यान नहीं किया, संत स्वभाव है, वो चला गया, पता नहीं कहाँ गया। ऐसी चिंतन से ही उनके प्राण अंत हो गए। अगला जन्म उनका हिरण का हो गया, हिरण के शरीर में वो चले गए। लेकिन उनको याद रखा विगत जीवन के पूर्व जन्म में, मैं तो महाराजा भरत था, ये क्या किया मैंने। फिर पछताए, क्या होता है जब चिड़ियां चुग गई खेत, अभी कुछ नहीं हो सकता। हिरण के शरीर में याद है उनको सारी बात, पूर्व जन्म की बात। आत्मा हिरण के शरीर में आ गई, उसी पुलहा आश्रम में आ गए, सूखे पत्ते खा के गुजारा करने लगे। शरीर में भी रहना ही पड़ेगा जब तक विधि रखेगी। जब शरीर छूटा उनका, अगला जन्म फिर भगवान ने उनको ब्राह्मण का दिया। ब्राह्मण के घर में वो जन्मे और उनको पूर्व जन्म सारा याद है। और जानबूझकर वो गूंगे और बहरे बन के ना कुछ बोलते हैं ना सुनते हैं, जानबूझकर। वर्णन आता है भागवत में, उनके पिता के दो विवाह थे। एक विवाह से भरत जी और इनकी एक बहन, और एक विवाह से 9 लड़के थे। तो परिवार तो एक ही था, माताएं 2 थी। वो जो 9 उनके भाई थे दूसरी माता से, उनकी पत्नियां कुछ बेचारी ठीक नहीं थी। महाराज भरत का शरीर बड़ा अच्छा, ब्राह्मण शरीर में, और बेचारे कुछ बोलना नहीं उन्होंने। कहते मुस्टंडा देखो कितना तकड़ा खाता है, खाने को क्या दें, बनन आता है उनको भूसी दे दें, भूसी मिलाकर खुरचन दे दें, कुछ जल जाए कुछ वो दे दें, बेचारे खा लें, कुछ नहीं बोले। मैंने अपना जन्म पिछला खराब कर दिया, ये जन्म नहीं खराब करूँगा मैं, मैंने धाम में जाना है। इसलिए भगवान वेद व्यास ने इनकी कथा भागवत में लिखी, बड़ा सुंदर वर्णन है। कुछ ना बोलने, बड़ा कष्ट दिया जा रहा है उनको, कुछ नहीं। आकर फिर उनके एक बार ड्यूटी लगा दी खेत की रखवाली की, वो बैठ के अपने ध्यान में रहते थे, बोलते और सुनते, जानबूझकर गूंगे बहरे बने, ना बोलते हैं ना सुनते हैं। वहाँ बैठे थे बेचारे अपने ध्यान में, तो डाकुओं का सरदार, डाकू जो है उसके संतान नहीं थी, किसी मूर्ख ने बताया मैं किसी की बलि दे तू तेरे घर पुत्र हो जाएगा, कि जाओ किसी को ढूंढ के लाओ। डाकुओं को बोला सरदार ने, जो उनका बड़ा था, देखा बेचारे बैठे थे, पकड़ के ले गए उनको, चल पड़े साथ में। कुछ नहीं, कोई नहीं भाई, रजिस्टर नहीं किया, मैं नहीं जाऊँगा, ले गए और काली माता के सामने बलि देने लगे उनकी। जब बलि देने लगे तो काली माता, एकदम काली माता की मूर्ति फटी, उसमें से माता बाहर निकली खंडा हाथ में लेकर, और माता की जो डाकनी शाकनी जो भी उनके साथ थी वो भी उनके साथ प्रकट हो गई, और उन्होंने जितने वो डाकू थे जो उनकी बलि दे रहे थे सबको मारा उनको। और देखो जब कोई भक्त होता है, देवी देवता भी उसकी रक्षा करते हैं, भाई ये महान भक्त है, ये दुष्ट जो हैं मेरे आगे इसकी बलि दे रहे हैं। तो महाराजा भरत जो हैं वो कितने महान हुए, उनको भी जन्म लेना पड़ा, और वो भी नहीं समझ सके कि उनको, वो भी मोह में फंस गए। वो ही प्रभुपाद कहते हैं कि मोह बड़ा प्रबल है। पर कलयुग में अगर हम लोग नाम जपते हैं ना, ये महामंत्र, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम अगर हम भाव से जपते हैं ना, तो निश्चित रूप से हम धाम में जा सकते हैं।
हमने देखा कि व्यक्ति यहाँ आते थे तो आखिर लगी जब मुझे बता रहे थे पुस्तकें पढ़ना, उन्होंने जप करना, पहले उन्होंने उल्टे सीधे भी काम किए होंगे, लेकिन भगवान ने उनको एकादशी का दिन दिया, एकादशी के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा अपना। और एकादशी के दिन, एकादशी के दिन सबको नहीं मिलता। एक गुरु महाराज, उनका शरीर शांत हुआ, उनके शिष्य कह रहे हैं हमारे गुरु महाराज दसवीं को ही प्रकट हुए थे, दसवीं को ही शरीर छोड़ दिया। मैंने कहा अगर ग्यारहवीं को, एकादशी को शरीर छोड़ते कितना अच्छा होता। नहीं गुरु जी, नहीं छोड़, दसवीं को छोड़ा शरीर, एकादशी से एक दिन पहले। तो मतलब थोड़ी भी कोई अगर भक्ति कर रहा है ना, भगवान कृपा कर रहे हैं। तो कलयुग में मेरे सुनने वालों, भक्ति करो, बस भक्ति को जीवन का केंद्र बनाओ, भगवान को जीवन का केंद्र बनाओ। और जैसे एक लड़का था हमारे इधर, मैंने कहा तू क्या बनेगा, कहते मैं आईएएस बनूंगा। मैं, शक्ल तेरी आईएएस की है, आईएएस बनेगा क्या, आईएएस बनेगा भगवान मिल जाएंगे। भगवान तो मिलेंगे खाली भक्ति करने से, लेकिन मन इतना चंचल है, मन इतना मलिन है, हम आदमी संसार की ओर भागता है। बच्चे भी कोई जैसे कि यहाँ बैठा हुआ है, पूछता हूँ मैं क्या बनेंगे, बहुत सारे कहते हैं भक्त बनेंगे, वो कहते हैं मैं ब्लैक कमांडो बनूंगा। क्या दिमाग में देखो उसको, उसका पिता भी देख रहा था प्रोग्राम, कहते हैं महाराज ये कुछ कमांडो शमांडो नहीं बनेगा, भक्त बनेगा ये। बाप ने जो डांट लगाई उसको, ऐसे हमारे मनों में जन्म जन्मांतर से विचार चले आ रहे हैं। पर याद रखो मनुष्य शरीर केवल भगवान का भक्त बनने के लिए मिला है। तो भक्त कैसा होता है, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, एक शुद्ध भक्त सदैव सोचता है कि मैं भक्त नहीं है, भक्त नहीं सोचता मैं भक्त हूँ। जो कहता मैं बड़ा भक्त हूँ है, वो भक्त नहीं है। और आज तक देखा गया जो भी महान भक्त हुए वो विनम्रता की मूर्ति हुए। जैसे हमारे गुरु महाराज एक बार लेक्चर कर रहे थे, मूर्ख लोगों से उनका पाला पड़ जाता था, सच्चाई बोलते थे वो, प्रभाव किसी की परवाह नहीं करते थे। जैसे एक बार अमेरिका में प्रभुपाद लेक्चर कर रहे थे और उन्होंने कहा योर सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, तुम्हारी जो सभ्यता है ये कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है। तो बहुत कुछ लोग खड़े होकर हाउ यू से दिस, साबित किया गुरु महाराज ने। आपको पता है अमेरिका में जब बच्चे को स्कूल दाखिल कराया जाता तो बाप का नाम ही लिखाते, माँ का नाम पता नहीं कौन से बाप से है वो, औरतों के कई कसम है वहाँ पर। ऐसी भी औरतें देखी गई। एक बार हम शिकागो में लेक्चर कर रहे थे, एक औरत हमको सियाटल वाशिंगटन में मिली, वो कहती है मेरी माँ ने 16 शादियाँ की हैं, अब इस तार में कसम ढूंढ रही है। मैंने कहा कैसे देश में रहती हो तुम, तो जिस घर में सत्संग था कैलाश मेहता उसका नाम था, कहते हमारा ये इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी है, एलिजाबेथ टेलर जो है वो 27 खसम कर चुकी है, 28 में ढूंढ रही है। ये कोई मनुष्य थोड़ी, जानवरों की सभ्यता है। औरतें अगर खसम बदलती हैं तो जानवर बदलते हैं, मादा जो है आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, लेकिन मनुष्य में कुछ नियम है। तो नियम खत्म हो रहे हैं। प्रभुपाद जी उन्होंने कहा कि आपकी सिविलाइजेशन कुत्ते बिल्लियों की है, तो प्रभुपाद को वो एक खड़ा होकर कहते यू आर फर्स्ट क्लास, प्रभुपाद कहते हैं नहीं आई एम फिफ्थ क्लास, उनको नहीं कुछ भी यह था, आई एम फिफ्थ क्लास। तो मतलब संत विनम्र होते हैं, और मैंने देखा है प्रभुपाद जी को साथ में रह के, बड़ी विनम्रता की मूर्ति थे, बहुत विनम्र थे हमारे गुरु महाराज। उनको आप ये कह सकते हैं कि कोकोनट की तरह थे, कोकोनट बांस से बड़ा सख्त होता है, अंदर से नरम होता है। तो प्रभुपाद जैसे थे, ये उन्हीं का ही काम था कि बिगड़े तिगड़ों को भक्ति में लगाना। वो जानते थे, कला जानते थे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। यदि कोई स्वयं को बड़ा भक्त मानता है, प्रभुपाद कह रहे हैं,
तो यह अच्छा नहीं है, को मानता तो ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। स्वयं को उत्तम भक्त मानना, हमें गर्व नहीं होना चाहिए। एक भक्त इस भावना से दूर रहता है, गर्व नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। वह निम्न श्रेणी में ही रहना चाहता है, मैं भक्त नहीं हूं, निम्न श्रेणी में रहना चाहता है। श्री कृष्ण ने सबको कुछ असाधारण कलाएं दी हैं और उन असाधारण दक्षताओं द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करने का अर्थ है सफल जीवन। अभी देखो, किसी में कला है, वो निर्माण कार्य बड़ा अच्छा करवा सकता है, तो भगवान के लिए करना चाहिए। कई निर्माण करने वाले कहते हैं हम क्यों करें सब कुछ, क्या हम करें, भजन करें, क्या निर्माण करना है, ये क्यों शुरू कर दिया निर्माण कार्य, गलत सोच है। देखो प्रभुपाद उसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर, दक्ष कोई किसी काम में दक्ष है, एक्सपर्ट है, श्री कृष्ण की सेवा करने का अर्थ है सफल जीवन। जो भी हमें गुण है उसको श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है, ये याद रखो। कोई निर्माण कार्य कर सकता है भगवान के मंदिर, अभी देखो जैसे यहाँ पर मंदिर अपना काम चल रहा है, किस लिए, भाई भगवान के भक्त आएंगे वहाँ ठहरेंगे, भगवान के लिए है। कोई मैनेजमेंट में लगा हुआ है, किस लिए, भाई ये भगवान के लिए है, भक्तों का मैनेजमेंट, मंदिर का मैनेजमेंट। तो कोई इंजीनियर है तो भगवान का मंदिर के लिए वो इंजीनियरिंग करे, ये भक्ति है। अर्जुन योद्धा थे, क्षत्रिय थे, भगवान के लिए युद्ध किया, वो भी भक्ति हो गया, अपने लिए नहीं किया उन्होंने, खुद तो खाना मना कर दिया था लेकिन भगवान के लिए किया। तो ये बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी ने कहा है कि श्री कृष्ण की सेवा करने का अर्थ है सफल जीवन। तो सेवा करने की समझ आई सभी को, नहीं बोलो मुंह से बोलो, अच्छा सेवा करो भगवान की, स्त्री भी करो पुरुष भी करो। अरे भाई संसार में लगे रहो, कुछ नहीं मिलेगा इसमें से, बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए ना, कल को छोड़ के जाना पड़ेगा, अकस्मात जाना पड़ेगा। वो भजन अभी एक दो लाइन सुना देता हूँ, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी रही, जोड़ जोड़ भर लिए, धरे रहे सब रंगले बंगले खाली बारा धरी रही, धरे कहा है तृष्णा तू ना गई मेरे मन से। कितना धन कटा हो गया, तृष्णा थोड़ी समाप्त होती है। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी रही, जोड़ जोड़ धरे रहे सब रंगले बंगले खाली बारा दरी रगी, तृष्णा तू न गई मेरे मन से। कुछ उदाहरण दिए इस भजन में, बचपन में ये भजन हमको प्राप्त हुआ था, बहुत अच्छा भजन है, बड़ी शिक्षा है इसमें। तो तृष्णा तू न गई मेरे मन से, वो शब्द हैं, अगर किसी के पास 1,000 है तो वो 10,000 चाहता है, 10,000 है तो 1,00,000 चाहता है, 1,00,000 है तो 10,00,000 चाहता है, 10,00,000 है तो करोड़ चाहता है, करोड़ है तो 10 करोड़ चाहता है, 10 करोड़ है तो 100 करोड़ चाहता है, 100 करोड़ है तो बोले सब कुछ मेरा ही हो जाए। तृष्णा नहीं खत्म होती, तृष्णा समाप्त नहीं होती। तो कुछ उदाहरण है, शीश महल पर एक स्त्री, शीश महल खड़ी श्रृंगार बनाने को, बोलो सुर में दानी हाथ में लेकर, सुर में
सुरमा आंख लगाने को, एक ही झटका लगा मौत का, एक हाथ में सुर में दानी रही, हाथ धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही, धरे एक घटना ये पहले भी सुनाई हमने, चंडीगढ़ में हम थे, वहाँ पर मंदिर के गेट के सामने ही एक एक्सीडेंट हुआ। एक बेचारा साइकिल वाला कोई गरीब आदमी जा रहा था, ट्रक उसके ऊपर से चल गया, उसके सर के ऊपर से चल गया, मर गया बेचारा। वो वहाँ ही पड़ी रही उसकी बॉडी वहाँ पर। क्या देखा गया, सिगरेट या बीड़ी उसके हाथ में थी, बीड़ी हाथ में ही फंसी हुई है। तो वही सुरमेदानी बड़े महल में स्त्री है, बारह दरी बहुत बड़ा महल है, बड़ी अमीर है, सुरमा लगा रही है आँख में, जो मौत का झटका लगा सुरमेदानी हाथ में ही रह गई। एक ही झटका लगा मौत का, हाथ में सुरमेदानी रही। फिर आगे और कुछ उदाहरण है, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी रही, जोड़ जोड़ फिर भी तृष्णा, धरे लगे सब रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। सैर करन को एक बाबूजी मोटर पर सवार हुए, मोटर भी चलने नहीं पाई थी, बाबूजी ठंडे ठार हुए, देखो तमाशा अजब मौत का, देखो सड़क पे टम टम खड़ी रखी, सड़क पे टम टम खड़ी, धरे रखे सब रंगले बंगले, खाली बारा धरी रखी, धरे एक आदमी का वीडियो हमने देखा, आपने सुनी होगी एक खबर कि संत बेचारे साधु महाराष्ट्र में कौन सी जगह थी, वो साधु मार दिए थे, हैं महाराष्ट्र में ही कहा मैंने, दो साधु बेचारे एक वृद्ध थे, लाठियों से मार दिया उनको, उनका ड्राइवर भी मार दिया, क्या गुंडा कहते, जो उसके पीछे मेन था वो भी वीडियो दिखाया गया, हैं वो जिंदा जल गया, गाड़ी में बैठो गाड़ी को आग लग गई, दरवाजा में नहीं खुल रहा उसका, जिंदा फूक गया वो, एकदम उसको जो है रिएक्शन उसका मिल गया। तो वो मैंने वीडियो वो भी देखा, उसको जलते हुए देखा, वही था ना वो, हैं कौन था वो, अच्छा साधुओं को मरवाने वाला। तो इसी प्रकार ये बाबूजी सैर करने जा रहे थे, लेकिन अब मोटर अभी चली नहीं थी, बाबूजी ठंडे हो गए, ठंडे नार हो गए। लिखने वाला लिख रहा है कि देखो तमाशा अजब मौत का, सड़क पे टम टम खड़ी रही, गाड़ी खड़ी रही, हो बाबूजी कब चले गए। फिर एक और उदाहरण, पहन पोशाक बांध कर साफा, पहन हट्टी ऊपर सेठ गए, जाते ही एक चक्कर आया, जाते ही एक चक्कर, सेठ थड़े पे लेट गए, कुछ कर गया लिखने वाला, कुछ कलम कान पर टंगी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले,
खाली बाना धरी रवि धरे ना। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी लगी, जोड़ जोड़ भर लिए फिर भी तृष्णा ढीली गारी है। धरे रहे सब रंगले बंगले खाली बारा दलील, मेरी स्पीड में गाओ। उधमपुर की एक घटना है बड़ी पुरानी, याद नहीं बने, हम भी जब छोटे छोटे ही थे। यहाँ घर है पक्के घर वाला, उनको कहते हैं उस पक्के घर वाले, उतराई में जब रामनगर रोड, वहाँ पर सेठ जी रहते थे। पहले पहाड़ में उनका काम था, फिर यहाँ घर ले लिया उन्होंने, घर खरीद लिया किसी से। तो उन्होंने सर्दियों का टाइम, मतलब तब गैस नहीं होती थी, वो एक लकड़ियों का ट्रक खरीदा उन्होंने पूरा, और लकड़ियों का ट्रक वाला जो था उसके साथ हिसाब करने के लिए एक दुकान पर, किस दुकान पर, जहाँ पर उनकी लड़की की शादी हुई थी, विवाही जो है लड़की का ससुर, उसकी दुकान पर हिसाब कर रहे हैं। हिसाब करते करते उनको हार्ट अटैक हुआ और मृत्यु हो गई वहाँ पर। ये सत्य घटना उधमपुर की है। तो जैसे सेठ जी अभी पहन पोशाक बांध कर साफा हट्टी ऊपर सेठ गए, जाते ही चक्कर आया सेठ थड़े पर लेट गए, कूच कर गया लिखने वाला कलम कान पर टंगी रही। आखिर में दो तीन उदाहरण दे करके लेखक लिख रहे हैं, दास कहे सुनो रे भाई दास, दुनिया के झगड़े फसाद तजो, रहने दो दुनिया की बातों को रहने, अब तो मुख से हरि नाम जपो। संत कह रहे हैं भाई दुनिया के झगड़े फसादों को छोड़ो, रहने दो दुनिया की बातों को, मुख से तुम भगवान का नाम लो, अब तो मुख से हरि नाम जपो। फिर सदा खिले नहीं फूल बाग में, सदा सदा नहीं फूल झड़ी रही, धरे रखे सब रंगले बंगले खाली बारा दरी रही, धरे रहे। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी रखी, जोड़ जोड़ भर धरे रहे सब रंगले बंगले खाली बारा दरी रही, धरे रहे। सदा खिले नहीं फूल भाग में, बारह महीने फूल नहीं खिलते, फूलों का भी सीजन होता है। सदा नहीं फूल झड़ी रही, और जब सर्दी का मौसम आता है फूल झड़ जाते हैं, ऐसा नहीं। मत सुख दुख अस्थाई हैं, सुख भी अस्थाई दुख भी अस्थाई, लेकिन हमको हर हालत में क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम। तो आओ आज हमारे पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी जो हैं, आज के दिन वो प्रकट हुए थे, उनका जीवन देखें हम, कैसा क्या क्या लीलाएं उन्होंने जीवन में की। पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो थे भगवान के शुद्ध भक्त थे। शिला पुरुषोत्तम दास निरंतर नित्यानंद प्रभु के स्मरण एवं सेवा में निमग्न रहते थे। पुरुषोत्तम दास जी महाराज जो थे नित्यानंद भगवान के सेवक थे। और याद रखो यहाँ नित्यानंद जी का वर्णन आ रहा है ना,
जीवन का उद्देश्य क्या है कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। कृष्ण प्रेम पाना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य दास, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। पर कृष्ण प्रेम क्यों नहीं हो रहा? हमारे अंदर माया का प्रेम है, स्त्री का प्रेम है, पति का प्रेम है। तो ये माया का प्रेम जो है, स्त्री पति का प्रेम, ये सब टेम्परेरी है। तो इनसे कैसे हम बचेंगे, कैसे मन हटेगा? नित्यानंद भगवान की कृपा से, याद रखो। अब जैसे एक बात मैं बहुत पहले सुनाता था, अभी नहीं सुनाई, अभी फिर सुना देता हूँ। एक भक्त जो है वो मतलब जाता है प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए जाता है, किसी ने घी दे दिया तो घर भेज देता है, जाओ घर वाला घर दे देता है। ये नहीं कि मंदिर में आके दे, नहीं, घर मोह देखो कितना उसको। और भगवान सब कुछ दे रहे हैं खाने के लिए, मेरे कोई कहता है उसको पता नहीं कि मैं मुँह फट हूँ, बोल देता हूँ, कहता मैंने इसको कहा मुझे कुछ नहीं दो, इनको दो, किनको, लड़कों को, बच्चों को खिलाओ, जब कोई सब कुछ मिल रहा खाने के लिए, कोई कमी नहीं, क्या दे, कितने मोह है, मोह कितना प्रबल है कि इनको दो मेरे को चाहिए, जब खुद भी खा रहा है, कोई कमी नहीं। तो मोह ममता जो है ना, ये कैसे छूटेगी? काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से, जो प्रशोधनदास ठाकुर जी नित्यानंद भगवान के सेवक, ये बनना है ना कि पुरुषोत्तम निरंतर नित्यानंद प्रभु के स्मरण एवं सेवा में निमग्न रहते थे नित्यानंद भगवान। हमारे एक आचार्य ने प्रार्थना की है नित्यानंद भगवान के चरणों में, ये पूरा भजनी सुना देता हूं मैं। गौरंगा वली ते हवे पुलक शरीर, गौरंग वली ते खावे पुलक शरीर, हरी हरी वली ते नयने भवे नीर, हरी हरी वली ते नयने भवे नीर, आर कवे निताई चांद करुणा खईबे, आर कवे संसार वासना मोरे कवे तुच्छ खईबे, विषैया छाड़िया कवे शुद्ध कवे मना, कवे हमाहे रव श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे हई भे अकुति, रूप रघु हई भे अकुत बेसुरा, कबे हम बुझीव से युगल परीति, कबे हम बुझीव से युगल परी, रूप रघुनाथ पदे राहु मोरा आस, रूप रघु प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, प्रार्थना करे सदा नरो, गौरंगा वलिते खबे पुलक शरी, हरी हरी बलिते नयने भवे नीर। तो ये बड़ा सुंदर भजन है, ये पूरा भजन मैंने सुना दिया आपको। ऐसा दुर्लभ अवसर कब आएगा जब गौरांग बोलते ही
शरीर पुलकित हो उठेगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा गौरांग का नाम लेते हुए। भक्त जो शुद्ध भक्त है ना, गौरांग नाम लेते ही उनका शरीर मतलब पुलकित हो जाता था, प्रसन्न हो जाते थे। तथा तो हरी हरी बोलने पर नैनों से नीर बहने लगेगा। हरी हरी, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम। एक बार मैं उधर मॉन्ट्रियल में था, कनाडा में, एक व्यक्ति मिला, उसकी डायमंड की दुकान थी, दास डायमंड उसने रखा था दुकान का नाम, तो भक्त लोग उसको डायमंड दास कहते थे, उसके दुकान का नाम था दास डायमंड। भक्त कहते हैं डायमंड दास, ये हमारा डायमंड दास है। तो डायमंड दास मुझे मिला, उसके साथ एक व्यक्ति था, पहली बार मैंने ऐसा व्यक्ति देखा। तो जैसे गुरु महाराज की आज्ञा है, जा रहे देखा तारे को कृष्ण उपदेश, तो मैंने डायमंड दास को भी उसके दोनों को बोला, मैंने कहा बोलो मेरे पीछे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जब मैंने ये कहा, वो डायमंड दास के साथ जो व्यक्ति था उसकी आंखों एकदम आंसू बहने लग पड़े। मैंने व्यक्ति ऐसा नहीं देखा, महामंत्र बोलते ही यहाँ तक उसके आंसू। यही वही यहाँ पर कह रहे हैं कि तथा हरी हरी, हरे कृष्ण मंत्र बोलने से हरी हरी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे बोलने पर नैनों से नीर बहने लगेगा, आंखों में से आंसू बहने लगेंगे। वो दिन कब आएगा? निताई चांद की मुझ पर कब करुणा होगी, जिसके द्वारा मेरी संसार वासनाएं क्षीण हो जाएंगी। इन शब्दों के लिए मैंने ये भजन सुनाया आपको। निताई जो हैं बलराम जी के अवतार चैतन्य लीला में, निताई चांद की मुझ पर कब करुणा होगी। नित्यानंद भगवान जिनका पुरुषोत्तम दास जी चिंतन करते हैं, नित्यानंद भगवान मेरे पर कब कृपा करेंगे, जिसके द्वारा मेरी संसार वासना क्षीण हो जाएगी। ये मोह माया, ये जो विषय वासना है, ये समाप्त हो जाएंगी। फिर संसारिक विषयों को छोड़कर मेरा मन कब शुद्ध होगा? देखो, मन की शुद्धि तभी होगी जब हम संसारिक विषय विकारों को छोड़ देंगे। जब तक हमारा विषय विकारों में मन लगा है ना, तब तक मन अशुद्ध है, याद रखो। चाहे किसी का भी है, मेरा है, आपका है, इनका है, उनका है, विषय विकारों में मन लगा है तो हम अशुद्ध हैं, ठीक तरह सोच नहीं पाएंगे। संसारिक विषयों को छोड़कर मेरा मन कब शुद्ध होगा? कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा? बहुत से लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाके अपराध करते हैं, विषयों को भोगने के लिए, भौतिक सुखों के लिए वृंदावन नहीं जाया जाता। ऐसे वृंदावन में लॉकडाउन हो गया था तो भक्त बस खूब खाने में ले आओ भाई, ये बनाओ ये बनाओ, वो वजन बढ़ गया। वजन कितना बढ़ गया था भाई मधुप्रिया, हैं? अब ये लाओ, अब ये खाना है भाई, ये क्या हो गया, वजन बढ़ गया मेरा इतना। वृंदावन में फंसे ये ना, तो लॉकडाउन में फंसे हो गए थे, खाने पीने में लग गए, लेकिन फिर प्रयास किया भाई अभी मैंने वजन कम करना है, वजन कम भी हो गया। तो हमने खाने पीने के पीछे नहीं जाना, भगवान के पीछे जाना है। कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा? संसारिक विषयों को छोड़कर मेरा मन कब शुद्ध होगा? जब तक संसारिक विषयों में मन लगा है तब तक मन शुद्ध नहीं है, और जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक वृंदावन नहीं जाना चाहिए। वृंदावन शुद्ध मन वाले को जाना चाहिए, वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। ऐसा बनने लगता है कि अगर हमने कहीं अपराध किए हैं दूसरी जगह और हम वृंदावन चले जाते हैं तो अपराध खत्म हो जाते हैं वृंदावन जाने से, पर वृंदावन जाकर अगर हम अपराध करते हैं वो फिर वज्रलेप हो जो मतलब खत्म ही नहीं होते। ये ध्यान रखो।
वृंदावन में तो जाकर भजन भक्ति बस सिमरन और कुछ नहीं। वहां पर वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। और वास्तविक वृंदावन जो है ना बड़ा दिव्य है, वो भी कईयों को दर्शन होते हैं वास्तविक वृंदावन के। श्री रूप गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री चरणों में कब मेरी व्याग्रता उत्पन्न होगी, कब उनके चरणों में मेरा प्रेम होगा, कब मैं राधा कृष्ण की युगल प्रीति को समझ पाऊंगा। हमारे आचार्यों के ग्रंथ पढ़ने से ही हमको समझ आएगी। हमको आचार्यों का ग्रंथ हम पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी हमें समझ नहीं आएगा। तो वो कहते हैं कब मेरे मन में ऐसा होगा, ये हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर कहते हैं। श्रील रूप रघुनाथ के श्री चरणों में मेरी आशा बनी रहे, नरोत्तम दास सदा यही प्रार्थना करता है। हमें आचार्यों की कृपा से ही भक्ति मिल सकती है। तो हमारे जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी महाराज हैं, वह नित्यानंद भगवान के सेवक हैं। जिस स्त्री पुरुष को मन जिसका बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता है, उनको नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। उनके पुत्र कनु ठाकुर, पुरुषोत्तम जी के पुत्र थे कनु ठाकुर, इतने उन्नत भक्त थे कि श्री कृष्ण उनकी देह में सदैव निवास करते थे। पुरुषोत्तम ठाकुर के बेटे कनु ठाकुर भगवान उनकी देह में निवास करते थे। जब कनु 5 वर्ष के थे, कनु जी 5 वर्ष के थे, माँ जानवा उन्हें वृंदावन ले गई। जानवा माता जो हैं नित्यानंद भगवान की पत्नी, उनको वृंदावन ले आई। बोलो जानवा माता की। उनकी विशुद्ध भक्ति देखते हुए गोस्वामी ने प्रफुल्लित हृदय से उनका अभिवादन किया। कनु ठाकुर छोटे से हैं, सारे गोस्वामी उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं कि वृंदावन में वो पधारे। गौलोक वृंदावन में प्रसोदन दास ठाकुर द्वादश गोपालों में से एक ग्वाल बाल हैं। ग्वाल बाल के रूप में बलराम की सेवा करते हैं। गौलोक धाम में भी पुरुषोत्तम ठाकुर जी ग्वाल बालों के एक रूप में, बालां गोपालों के रूप में बलराम जी की सेवा करते हैं। उनकी समाधि 64 समाधियों में है। बोलो श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की जय। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी की कृपा से इनसे ये मांगो कि नित्यानंद भगवान के चरणों में हमारा प्रेम दे दो, हम नित्यानंद भगवान से प्रेम करें और नित्यानंद भगवान हमारे मन से जो विषय वासनाएं हैं, जो मोह माया है, वो सारी समाप्त कर दें। बोलो पुरुषोत्तम ठाकुर जी महाराज की जय। हे श्रील पुरुषोत्तम ठाकुर जी महाराज, आज आपका आविर्भाव दिवस है। आज के दिन आप इस धरातल पर प्रकट हुए थे और आपने दिव्य लीलाएं की थी। आपका दिव्य पुत्र कनु ठाकुर बहुत ही भक्त थे भगवान के। हे पुरुषोत्तम ठाकुर जी महाराज, मुझे दीनहीन पर कृपा करो, मुझे नित्यानंद भगवान की शरण प्रदान करो। नित्यानंद भगवान मुझे दीनहीन पर कृपा करें और मेरे मन में जो विषय वासनाएं हैं, मेरे मन में जो दोष हैं, मेरे मन में जो मोह माया है, वो नित्यानंद भगवान की कृपा से समाप्त हो जाए। आप नित्यानंद पार्षद हैं, आप मेरे पर कृपा करेंगे, आपकी कृपा से अवश्य मुझे नित्यानंद भगवान की कृपा मिलेगी। बोलो कनु ठाकुर जी महाराज की। बोलो पुरुषोत्तम ठाकुर जी महाराज की। बोलो नित्यानंद भगवान की। हरे कृष्ण। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
सुप्रिया माता नोएडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कभी कभी ऐसा लगता है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना असंभव है, बिल्कुल भक्ति नहीं है हमारे अंदर। कैसे भाव भक्ति होगी भगवान के प्रति? देखो सुप्रिया माता, भक्ति जागृत करनी है, प्रयास करना है, प्रयासरत रहना है। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस, अंग्रेजी में कहावत है ना, प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी, प्रयास नहीं करोगे तो कैसे सफलता मिलेगी। और तूने बोला कि भक्ति असंभव जैसी लगती है, तो ये हमारे दादा गुरुदेव भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे कि असंभव शब्द जो है ना, ये मूर्ख की डिक्शनरी में है। सब कुछ संभव है, खाली हमारी कमी है, हमने प्रयास करना है। हमारा मन मलिन हो चुका है, जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे ऊपर हैं और हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन इस जन्म में बड़ा अच्छा मौका है, भगवान के भक्त थोड़े समय पहले ही प्रकट हुए थे, थोड़े समय पहले ही अप्रकट हो गए, चले गए, दिव्य आंदोलन दे गए हैं। इसको अगर हम सेवा करते हैं इस आंदोलन की, इसमें बताए हुए नियमों के अनुसार चलते हैं, निश्चित रूप से सुप्रिया माता हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा। असंभव, ये हमारे मन की मलिनता है जो तेरे मन में आ रहा ना, असंभव है, ये मन की उपज है। मन अशुद्ध है, मन शुद्ध नहीं है, मन को शुद्ध करना है। मन की शुद्धि में लगे रहो, प्रयासरत रहो। अभी हम कर्मों के मारे हैं, लेकिन कृष्ण कृपा से कर्म सब स्वाह हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। हरि नाम प्रभु की कृपा से भी सारे कर्म खत्म हो सकते हैं। कहा है, जब ही नाम हृदय धरयो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की जय, पड़ी पुराने घास। जब ही नाम हृदय धरयो, सच्चे भाव से जब हम नाम लेते हैं, नाम में बस खो जाते हैं, हरि नाम में पागल हो जाना चाहिए हमको। जपते जपते सच्चे नाम, सच्चे मन से जब नाम जपते हैं तो पापों का नाश होना शुरू हो जाता है। कैसे? जैसे एक बड़ा घास का ढेर पड़ा है, उसमें चिंगारी आग की पड़ जाए, सारे घास के ढेर को जला के राख कर देती है वो। ऐसे नाम की महिमा है। अभी हम मोह माया फंसे हुए हैं, कर्म हैं, लेकिन लगे रहना है। सुप्रिया माता, ये मूर्खता है कि असंभव जैसा, नहीं असंभव नहीं है, हम करते नहीं हैं, हम मोह माया फंसे हुए हैं, कैसे संभव कैसे होगा? फिर मोह माया को तो छोड़ना पड़ेगा ना, तभी संभव होगा। हरे कृष्ण। निदिशा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ा जाए, और आप कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। मनीषा माता, पता नहीं कौन सी है मनीषा माता, है निदिशा, निदिशा माता कौन सी है, मिली है हमको पहले? नहीं, अच्छा। भक्ति में बस यही प्रयास करना है जो मैं अभी उत्तर दे रहा था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दात्यम आत्मनिवेदनम, मतलब नवदा भक्ति करनी है, नाम में खास करके ध्यान देना है, नियमों का पालन करना है, तो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ोगे। और मेरी शुभकामना तेरी नदीशा तेरे साथ में है, पहले पता नहीं कभी भेंट हुई या नहीं हुई। निदिशा माता, कौन सी माता हो तुम, तेरा कल्याण हो, भगवान कृपा करें। दूसरा वाला क्यों नहीं लगाया आज? हरे कृष्णा,
तो सर्वप्रथम हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे हरी बोल बोल के। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यूएसए से गिरीश डाबला जी ने भगवत गीता स्पॉन्सर की है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे चावला जी कहाँ से हैं? यूएसए से है, यूएसए से। यूएसए से कितनी गीता है? वो हर महीने भगवत गीता स्पॉन्सर कर। अच्छा जी, चलो बहुत अच्छे। अम्बाला से रितेश जी ने गुरु महाराज जी का जो सत्संग चैनल पे प्रोग्राम चलता है उसके लिए अपनी सेवा भेजी है, तो रितेश जी का और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरी बोल। सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है, मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत